यूएनएससी में भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है और पाकिस्तान सहित चीन की बहुत बड़ी हार। भारत अमेरिका के दबाव के आगे झुक गया चीन और कर दिया उसने सरेंडर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लश्कर ए तैयबा के उप प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया। अमेरिका और भारत लगातार मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने की मांग कर रहे थे। पहले चीन उसे ग्लोबल आतंकी घोषित करने में अड़ंगा लगाता रहा, लेकिन यूएनएससी में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर उसे वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। We welcome the decision of the UN Security Council's ISI and Al-Qaeda Sanctions Committee to list Lashkar-e-Taiba terrorist Abdul Rahman Makki, who is also the brother-in-law of LET leader Hafiz Saeed. Makki has occupied various leadership roles in the LET, including raising funds for the organization. Threats from terrorist organizations in the region remain high, and listings and sanctions by the UN Security Council are an effective tool to curb such threats and dismantle terror infrastructure in the region. India remains committed to pursuing a zero-tolerance approach to terrorism and will continue to press the international community to take credible, verifiable, and irreversible action against terrorism. UN में सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी के प्रस्तावों के अनुसार मक्की को 1267वीं ISLIL और अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। यूएनएससी के प्रस्ताव के मुताबिक मक्की अब धन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो हथियार नहीं खरीद सकता और अधिकार क्षेत्र से बाहर यात्रा नहीं कर सकता। भारत के इस मोस्ट वांटेड आतंकवादी को पाकिस्तान में मई 2019 में गिरफ्तार किया गया था। आतंकी संगठन जमात उद दावा में मक्की का काफी प्रभाव था। वो आतंकी संगठन में दूसरी कमान के नेता के रूप में जाना जाता था। मक्की भारत के खिलाफ जहर उगलने से गुरेज नहीं करता था। साल 2010 में भारत विरोधी बयानों के लिए वो सुर्खियों में आया। उसने पुणे की जर्मन बेकरी में धमाके के 8 दिन पहले मुजफ्फराबाद में भाषण दिया था और पुणे समेत भारत के 3 शहरों में आतंकी हमले करने की धमकी दी थी। इसके बाद भारत की मांग पर ही अमेरिका ने मक्की को आतंकी घोषित किया। पाकिस्तान में गिरफ्तारी से पहले अब्दुल रहमान मक्की एक वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कश्मीर को आजादी दिलाने की बात करता नजर आया था। भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाले मक्की के सिर पर करीब 13 करोड़ रुपए यानी कि $20 लाख का इनाम है। मक्की तालिबानी सरगना मुल्ला उमर और अलकायदा सरगना अल जवाहिरी का भी बेहद करीबी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।